दादा प्रेत निकाल रहा था, उसका दादा परदादा तड़दादा, अब वो कह रहा है पैदा होके नया लिब्रांड पैदा होके कह रहा है, क्या कह रहा है कि भूत प्रेत नहीं होते, क्या करूं इनका, मेरी समझ में नहीं आती, ये भारत में कैसा कैसा जलाल पैदा हो रहा है, ये आदमी ढोंग कर रहे हैं जिसके बच्चे बड़े हो गए, ये मूर्ख है, शरीर में वो घुस गया है अन्य तत्व, अब उसका इलाज कौन करेगा। चलो भाई नहीं होते कोई बात नहीं, आयुर्वेद में इसका इलाज है प्रेतोन्माद के नाम से, कर लो तो ठीक हो जाएगा ना, फिर भगवान का नाम लो, यज्ञ करो, दीपदान करो तो ठीक हो जाएगा, हो चाहे ना हो मत मानो ये प्रेत है, ये मान लो कि इसको ये बीमारी है, ठीक है, और इस बीमारी का एक ही इलाज है यज्ञ और नाम जप, मत मानो भाई प्रेत है, प्रेत ना मान के इलाज कर लो। क्या हुआ ऐसा कि मैंने इसके कान में दो बार हनुमान जी का नाम लिया और इसको ये एकदम से दिक्कत आ गई, और इसको इतना दर्द रहता है शरीर में और डॉक्टरों से जाता नहीं है, क्या हुआ ऐसा है भाई, बताए भाई कोई तो बताए भाई इसको क्या हुआ है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसके बच्चों की शादी हो गई है, क्या ये खप्पर भर रहा है, क्या ये ढोंग कर रहा है, क्या हर आदमी को खप्पर भरना आता है, क्या भारत का आदमी नाटक ही रचता है, स्वांग ही रचता है, अगर भारत का प्रत्येक आदमी नाटक और स्वांग ही रचे तो उसको क्या जरूरत है इनको अरबपति बनाने की, इन सारे क्या कहते हैं तल छटियों को जो क्या कहते हैं फिल्में दिखाते हैं हमें बना बना के, और नकली नकली डुप्लीकेट डुप्लीकेट सीन दिखाते हैं, हदी है भाई, भारत के 1,00,000 से ऊपर वे ग्रंथ जो तंत्र मंत्र औषधियों से भरे पड़े हैं उन सब में भूत प्रेत का जिक्र है, क्या उन सबको जला दूं, क्या उन सबको राख बना दे, क्या उन सबको फूंक दे, क्या भगवान शंकर को मानना बंद कर दे, भूत प्रेत नहीं होते, भूत प्रेत नहीं होते तो नाटक करती है दुनिया, एक को ठीक करके तो दिखाओ, इसको ठीक कर दे, और ये 50 साल से दवाई खा रहा होगा, 30 साल से, कितने साल हो गए दवाई खाते खाते, चल छोड़ इसको, अब आपने में क्या नाम है तेरा, आ जा जाने दे, चल नीचे जा बहुत दिन से रह रहा है तू, इसका पितर होगा, चला ऊपर खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा होने दे इसको, अपने में आने दे, चल नीचे नीचे ले जाओ इसको, हाँ जी क्या नाम है आपका, कितने साल हो गए इलाज कराते डॉक्टरों से, जी मैं लगभग 1985 से बीमार चल रहा हूँ, 1985 से बीमार चल रहे, चीज आज खुली होगी आपकी, नहीं नहीं चीज तो पहले 1992 में मैंने इलाज कराया था, तब खुली थी, मंदिर में खुली थी लेकिन खत्म कहीं नहीं हो रही है, बीमार मैं रहता हूँ कंटिन्यू, बीमार कंटिन्यू रहते हैं, तो क्या डॉक्टरों को नहीं दिखाया आपने, डॉक्टरों को दिखाया है हाँ, लेकिन कहीं किसी के पास कोई तोड़ नहीं है, आखिर में ऑपरेशन बोल दिया था स्पाइन में 2011-12 में हाँ, लेकिन मैंने वो कराया नहीं, कराया नहीं क्योंकि आप समझ रहे थे कि आपको कुछ और है, ये है ही नहीं, और पिछले 2-3 साल से ही जोड़ों में कंधों में छाती में ये सब, अच्छा एक बार खड़े होना, खड़े हो, ये पक्का हुआ शेर है, ये इतना कच्चा था कहाँ, अब जो किसी से भी निकल जाता है, इसके लिए तो रेगुलर समय देना है ना, बस चल नीचे, चल नीचे, तेरे वचन कम कर देता हूँ और नाम सुना देता हूँ, ओ चलो आ जाओ, दर्द कहाँ है देखना, अभी फिलहाल तो बस, और नीचे कमर में घुटनों में, घुटनों के बल बैठे हो, ये तो जोड़ पूरे दुखते थे, घुटनों में तो बहुत दर्द रहता था, रहता है लेकिन अभी है हल्का हल्का है ना, तो हल्का भी क्यों हुआ, हल्का भी होने का कोई कारण तो होगा ना, गोली तो दी नहीं है, थपकी भी कमर पे ही मारी है, नाम कान में लिया है, तब दर्द हल्के क्यों हो गए, गोली लेने के भी आधे घंटे बाद असर होता है, होता है कि नहीं होता है, मतलब मैं गर्म सर्द की बीमारी ने मेरा शरीर खत्म किया, यही है गर्म सर्द, नहीं समझे, एक लड़की को जो टैरो कार्ड रीडर थी हमेशा वो पानी में रहती थी, डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे 16 साल से, और वो यहाँ आके ठीक होगी क्योंकि उसको एक जलता हुआ जिन दिखाई देता था, वो जब माता पिता को कहती थी वो कहते थे बहम है कुछ नहीं होता ऐसा, और लेके डॉक्टर के पास पहुंच जाते थे, क्या आपको लगता है नहीं अगर किसी को भूत प्रेत हो और वो डॉक्टर के व्यर्थ में पैसा खर्च करता है तो वो निरा बर्बाद होता है वो आदमी, सभी तरह का मेल जोल है इसमें,
मेल जोल है, पता नहीं चल पाता आदमी को क्या हो रहा है वो, जब तक पता नहीं चलता जब तक हाजिरी नहीं आती आपको, हाजिरी आने के बाद तो फिर जाता नहीं आदमी। 92 में हाजिरी आई थी, मैं जिस हनुमान जी के मंदिर में जाता था उसके बाद धीमा पड़ गया है, लेकिन इसके एक ही चीज़ मांगता था, पहले स्थान मांगता था फिर मुक्ति मांगने लगा, फिर मुक्ति मांगने लगा पहले स्थान मांगता था। मैं बहुत जगह दिखाया, कहीं ये बताते हैं जरूर कि यहाँ कुछ है, बाकी ना किसी के सामने कुछ बोलने का या ऐसे ही रहता है जैसे अपनी मर्जी से आता है यहाँ, तो ये है कि आपने जो मारी है उससे आ भी गया है लेकिन आता अपनी मर्जी से। लेकिन अब इसको कह दो कि तू भाई अपनी मर्जी से आना है और मैं कान में फिर नाम लेके सुनाता हूँ, तब नाम की महिमा का पता चलेगा। मेरे कहने का ना कहने का इसमें कोई मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, यही बात है, आपका कंट्रोल छूट गया पहली बार जब। अच्छा एक बात बताओ, जैसे बैठ के हाजिरी आ रही थी जी, तब क्या उस समय का याद है आपको? नहीं वो जो आवेश शुरू हो जाता है, याद आता है, अपने आप आ जाता है, वो होश रहता है, आपकी अपनी मेमोरी रहती है? हाँ थोड़ी बहुत रहती है, थोड़ी बहुत रहती है। हाँ ऐसा नहीं है कभी की ऐसी बातें हैं कि कभी याद नहीं हो, शुरुआत में ऐसा भी हुआ हो कि जब ये शुरुआत में आने लगा हो? नहीं ऐसे मेरे को जिस मंदिर में गया था उस समय 11 हाजिरी बताई थी शनिवार करके, तो 7वीं हाजिरी में जब आपको लगा नहीं, जो 20 साल पुरानी चीज है और पता नहीं कब से रमी हुई है धीरे धीरे कि ये जो है वो होगा, मतलब ये जो बहुत जल्दी जाने वाली चीज़ होगी जो रमा हुआ होगा, ये मैं बताता हूँ, ये आपकी कुल की चीज़ होगी पुरानी, पहले दादा को होगी, बाप को आ जाती है, फिर वो धीरे धीरे आगे चलती है। हाजिरी तो किसी एक में लेती हैं चीज़ें, सब में थोड़ी ना हाजिरी ले पाती है। नहीं समझे, मैं कुछ भी मेरे को पहले उससे पहले, चलो आप आओ, आने दो, अभी इसको कटने दो और तब ठीक होगा, आना है ना, मैं आ तो रहा हूँ, बस आना है, कुल को ठीक नहीं करना है क्या? 20 बार क्या है, मेरे पे कोई एहसान नहीं है, हर आदमी को अपना कुल ठीक करना है, मैं बैठा हूँ कल ठीक करवाने के लिए, मुझे पता है कि ये आगे बच्चों पे आता है और इसकी चीजें फैलती हैं, इसके तत्व फैलते हैं और पूरा घर परेशान होता है बाद में।